अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाहू बर्ड्स फार्म विहाड़ी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और यहाँ पर मैं और मेरे बर्ड्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। तो दोस्तों, आज एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को पूरा देखा करें। तो दोस्तों, आज जैसा कि आपको पता है जी, 23rd हो गई है जी अपनी सेप्टेम्बर की, ठीक है जी। तो आज 23 सितंबर है जी, ठीक है जी। तो उसमें क्या है जी कि पिछली अगस्त 23rd से हमने जो है ना हमारी ब्रीडिंग जो है वो आनी स्टार्ट हुई थी। तो मैंने क्या किया है जी कि हमने इसको मंथली कर दिया, मंथ वाइज कर दिया जी, कि एक महीने के बाद हम दोबारा से अपना रिकॉर्ड जो है दोबारा से शुरू करेंगे और दोबारा से एग फॉस्टिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो पिछले महीने के अंदर माशाल्लाह से 3 क्लच हमने लिए और माशाल्लाह से सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बच्चे एक्सपायर हुए, कुछ अंडे अनफर्टाइल भी हुए, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीड रही, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर भी की साथ साथ। तो आज माशाल्लाह से फिर से हमारे पास तकरीबन 4 गोल्डियन के और 1 आउल के अंडे जो हैं वो गोल्डियन पेयर 4 और 1 आउल फिंच का जो है वो अंडे जो हैं वो तैयार है फोस्टर करने के लिए। तो मैंने कहा जी आज इनको फोस्टर करते हैं और आप दोस्तों को भी साथ साथ दिखाते हैं, ठीक है जी। चलिए हम फोस्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों ये देख लें जी, माशाल्लाह से जैसा कि आपको पता है फोस्टर पेयर जो है, सॉरी जो गोल्डियन के पेयर है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5 ने नहीं की अभी तक ब्रीड, इसने पिछला सारा क्लच जो है वो ज़मीन पे फेंक के तोड़ा है, मैंने आपको दिखाया भी था। नंबर 6 माशाल्लाह से ब्रीड आ चुकी, नंबर ये 10 बनेगा, हाँ जी ये ऊपर 9 है ना, हाँ जी ये 10 है, ये ऊपर से पानी गिरने की वजह से ना तो यहाँ का नंबर मिट गया थोड़ा सा, मैं दोबारा से मैंशन कर दूँगा उसे मार्कर से भी। तो ये बन गया जी हमारा नंबर 10 और देखिए माशाल्लाह से फ़ीमेल अभी भी अंदर, एग जो राउंड है जी इनका जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। तो अब एग सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया, अब मैं दोबारा से जो है ना इनके अंडे जो है वो उठा सकता हूँ। और इसके बाद जी ये जो 23 नंबर है जिसके माशाल्लाह से ये आउल के चिक जो है तैयार बैठे हैं, जिसमें एक फ़ोन भी बैठा है और एक ग्रे और एक वो उस तरफ है ऊपर वाली साइड पर शायद, तो ये माशाल्लाह से इसके भी अंडे आ चुके हैं। आ तो दूसरी आउल के भी चुके हैं लेकिन अभी उसके 3 आए हैं, ठीक है जी। तो मैं अभी जो है ना इनके अंडे नहीं उठाना चाह रहे, 4 कर लें फिर इंशाल्लाह से हम जो है ना वो उठाएंगे, ठीक हो गया दोस्तों। तो हम इंशाल्लाह से साथ साथ रिकॉर्ड भी करते जाएंगे और साथ साथ अंडे उठाते भी जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो 1 नंबर जी इसमें 4 एग हैं, इसमें 2 नंबर में 5 हैं, इसमें 3 हैं और इसमें 6 हैं, लेकिन ये 3 से नहीं बढ़ रही और ये 4 से नहीं बढ़ रही तकरीबन पिछले 3 दिन से। तो एग जो है ना वो उठा लेने चाहिए इनके, इन्होंने इतने ही देने हैं इस दफ़ा, ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट फिर जो है वो इन पे दोबारा से अच्छे से मेहनत करेंगे और इनसे ज़्यादा एग जो है ना वो हम लेंगे। तो किस तरह से करना है, हमने वो वाले पेयर जिन्होंने पिछली दफ़ा जो है हमारे अंडे जो हैं वो निकाल लिए, सॉरी बच्चे जो हैं वो अच्छे से निकाले, उन वाले पेयर को हमने ज़्यादा अंडे देने हैं और जो कम निकालते हैं उनको हमने कम देने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करेंगे जी ये नंबर 2 से, ठीक है जी। नंबर 2 की हम मटकी लेने चलते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों ने दुआ करनी है कि पिछले मंथ में जितने बच्चे हम बचा सके उससे इस दफ़ा इंशाल्लाह हम ज़्यादा बचा सकें, ठीक है जी। और पेयर माशाल्लाह से मेरे पास फ्री पड़े हैं, यानी कि वो उन्होंने अपने क्लच वगैरह क्लियर कर दिए, बच्चे उनसे निकल चुके हैं। चल भी बाहर ज़रा, अच्छा ये इतना बैठी है कि इसको उठने का भी नहीं होश, मैंने उठना भी है, चल उठ जा यार, दे दे अंडे अब। अच्छा ये देखें माशाल्लाह से नंबर 2, और ये माशाल्लाह से 100% फर्टाइल आगे देने वाला पेयर है, बहुत ही खूबसूरत पेयर माशाल्लाह। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, इसको उठा लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं जी अपने इस जगह पे, ये एरिया मैं जो है ना खाली कर रहा हूँ, ये रख देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया जी। तो ये आ गई जी हमारी मटकी 2 नंबर की। 2 नंबर को हम कहाँ लेके जाएंगे, इसको हम लेके जाएंगे ये बाहर वाले बॉक्स में, नंबर 21 में। ये क्लच जो है ना, सॉरी ये पेयर जो है ना अपने अंडे दे चुका है माशाल्लाह से, और ये फीमेल अभी बाहर आई, मैं अंडे दिखाता हूँ आपको, ये डमी नहीं है, इनके अपने ही हैं ये देखें। और ये माशाल्लाह से कन्फर्म बच्चे जो है ना वो पालता है, बड़ा ही कमाल का पेयर है। तो जगह ओके है सब जी, ओके है, इसने 3 अंडे निकाले थे, 4था अंडा इसने बॉक्स से बाहर निकाला और वो टूट गया, ठीक है जी। तो अच्छा सॉरी, 1 मिनट पहले हम दाना ले लें जिसमें हमने जो है ना अपने अंडे रखने हैं, 1 मिनट किधर गया, अच्छा जी 1 मिनट, ये मैं बाल्टी उठा के नीचे रखूँ, इनको मैंने ऊपर रख दिया क्योंकि वो जो चूज़े हैं ना वो मेरा नुकसान करते हैं। तो ये बड़ा है इतना सा, तो ये बिस्मिल्लाह इसको रख देते हैं जी ऊपर, आ जा भाई,
काम बहुत है आज दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी उसके लिए माजरत, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम निकालेंगे। माशाल्लाह से पिछली दफ़ा इसके मैंने 4 अंडे निकलवाए, 4 के 4 फर्टाइल। और ये एक अंडा जो है ना, ये जो चम्मच के एंड पे है, ये माशाल्लाह से फर्टाइल हो भी गया, यानी वो टाइम इधर लग गया उनको, मुझे फोस्टर लेने में ना उनसे। तो मैं जो है ना वेट कर रहा था कि अंडे पूरे ही आए तो फोस्टर करूँ, उससे पहले जो है ना फिर वो ज़ाया करने वाली बात है, तो क्यों हम ज़ाया करें एक भी अंडा या एक भी बच्चा। तो ये बिस्मिल्लाह लास्ट अंडा। तो ये जी 5 अंडे इस दफ़ा, पिछली दफ़ा हमने दिए थे 4, इस दफ़ा 5, क्योंकि पेयर की शॉर्टेज है, तो इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हम लगाने जा रहे हैं। तो दुआ आप सब ने करनी है, अल्लाह ताला इस दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा बरकत डाले जी। ये यहाँ पे इसको हमने ये हैंग कर दिया जी, ठीक हो गया जी, ये आ गया जी यहाँ पे, ठीक है जी। जी तो दोस्तों ये वाली मटकी वापस जहाँ से हमने उठाई थी उनको वापस दे देते हैं माजरत के साथ। अब ये जो है ना ऊपर बैठती हैं बड़े अच्छे से, एग जो है ना फर्टाइल कर लेती हैं, उनको अच्छे से सेकती हैं, लेकिन ना मैं चाहता हूँ कि ये और अंडे दें, ठीक है जी। ये देखें ये पेड़ बैठा है, इनसे माफ़ी एक दफ़ा फिर जाते जाते, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अपना काम दोबारा से आप शुरू कर सकते हैं। तो उसके बाद जी हम चलते हैं जी हमारे अगले पेड़ की तरफ, जो कि है 10 नंबर। इसने माशाल्लाह से इस दफ़ा, पिछली दफ़ा 5 निकाले, इस दफ़ा 6 निकाले, और माशाल्लाह से फर्टाइल एग देती है, ठीक है जी। और उसमें से बच्चे निकले हुए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और वो पल रहे हैं जी दूसरी साइडों पर। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको कितने हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये आ गया जी यहाँ पे, रुक जा भी, रुक जा, बंद हो जाए दरवाज़े, तो मैं फ़ोन से दरवाज़ा भी बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये आ गया जी यहाँ पे, इनको रखने के बाद दूसरा, पहले हमने लगाया जी 21 नंबर में, इसमें अंडे थे, ठीक है। अच्छा आपको दिखाऊँ अगर ना, नहीं अभी नहीं गया ये मेल अंदर, फीमेल अंदर नहीं गई, लेकिन चली जाएगी अभी। तो ये यहाँ पे, ये कौन सा केज है जी, 25, ये 25 है, ठीक है जी। ये वाला बॉक्स, इसको नॉक करेंगे, इसमें इसने खुद भी 5 अंडे दे रखे हैं, मैं दिखाता हूँ अभी उठ के बाहर आएगी। नहीं भाई आज तो उसका मूड ही नहीं है मुझे लगता, वो आ जाए यार, गुस्सा ही कर गई है। एक मिनट मैं ना दिखाता हूँ आपको, ये देखिए अब मेरी उंगलियाँ देखेगी ना, वो भी आ गई जी, ये बैठ गया जी आगे, ये बैठ गया आगे, ठीक हो गया जी। वो तो पीछे वाली फीमेल है, आगे वाला मेल है जो मिसलिंग कर रहा है। तो इसमें माशाल्लाह से क्या आया पड़ा है, अगर आपको नज़र आए तो 5 अंडे, ठीक हो गया जी, जिसमें से 2 अनफर्टाइल भी हो चुके हैं। चलें कोई नहीं, हम इनको फर्टाइल वाले देते हैं, ठीक है। ये जो है ना जी नेस्टिंग जो है ना, मैंने लास्ट टाइम चेंज की थी, क्योंकि वो जो बच्चे इसने पिछली दफ़ा निकाले ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा गंद इन्होंने कर दिया था, वो बच्चे यानी अंदर ही ब्रीड वगैरह करते हैं, तो फिर मैंने चेंज की, तो इसमें बड़ा प्यारा सा ये नेस्ट बनाया। तो ये दोस्तों उठा लेंगे हम सारे अंडे इसके। अच्छा जी ये आ गया जी, ओए रुक जाओ, इधर गया, ये यहाँ पे आ गए। तो मिक्स नहीं कर रहा, क्योंकि इनमें मैंने चेक करना है, ये जो फर्टाइल आगे होंगे वो हम किसी और को दे देंगे, क्योंकि मैंने पेयर जो है ना वो रेडी कर रखे हैं, ठीक है जी। ये हो गया जी, क्लियर हो गया जी, ये इधर आ गए, ये इधर आ गए। इसको मैं दूंगा यहाँ से हमारे 5 ही अंडे, ज़्यादा नहीं देने हमने, एक अंडा हम दूसरे के साथ लगा देंगे। तो ये भी मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह लास्ट टाइम मेरे पास निकले तो फिर इंशाल्लाह से मुझे इसकी टेंशन नहीं है, वो ये अंडे अच्छे से सेकेंगी और निकालेंगी भी। तो ये पहले 3 दिए, बहुत ही एहतियात से आपने जो है ना, ये हल्का सा भी अंडा टूट जाए या क्रैक हो जाए तो वो फिर फर्टाइल नहीं होता, ठीक है जी। ये एक अंडा बचा लिया, 5 अंडे हमने लगा दिए इसके अंदर। चल भाई तू भी अपने जगह पे वापस। तो ये आ गए जी हम यहाँ पे, ये पेयर बैठा सामने और कंफर्म बच्चे पालता है माशाल्लाह, ये भी और साथ वाला भी, अभी दोनों ही पेयर बाहर हैं, क्योंकि परेशान है जी कि ये क्या हो रहा है। अब हमने इसको नहीं छेड़ना, ठीक हो गया जी। तो दो नंबर के आ गए जी 21 में, और 10 नंबर के आ गए 25 में, 25 ओके। उसके बाद जी हम लेते हैं जी अगला हमारा जो पेयर है वो है जी ये 6 नंबर। अच्छा इसने ना इस दफ़ा क्या किया जी, इसने सिर्फ 3 ही अंडे दिए, हालांकि ये 6-6 अंडे निकालने वाले,
निकालने वाला मेरा पेयर है। ये देखें फीमेल अभी उड़ के बाहर आई है, तो इसने तीन दिए नज़र आ रहे हैं आप, ये देखें। तो कोई मसला नहीं, इसमें हम उसका हम क्या करेंगे, वो वाला जो चौथा अंडा है ना वो इसके साथ लगा के हम वो फोस्टर कर देंगे, ठीक है जी। ये यहाँ पे पड़ा था, ये एक और ये तीन। तो चलिए जी अगले हम बॉक्स की तरफ। ये 27, अच्छा 27 में मैंने क्या किया, 27 में और किसके साथ था, एक 27 और एक मिनट जी, एक मिनट नहीं 26 में नहीं था, 27 में एक मिनट मुझे याद करने में, अच्छा कोई भी एक था बॉक्स यहाँ पे मुझे भूल, हाँ इधर 21 में मैंने लगाए थे आउल के अंडे चार चार। अच्छा जी वो क्या हुआ जी कि पेयर जो है ना मेरे पास फ्री नहीं थे, तो मैंने क्या किया जी इनके लिए पेयरिंग तैयार करनी थी, तो मैंने इन दोनों के अंडे उठाए, इसका भी 27 का भी और इसका भी 21 का भी, तो वो चार चार थे तो उसमें दो दो फर्टाइल थे, तो वो मैंने उठा के तो ये स्नो वाइट को दे दी, ठीक है जी ज़ेब्रा फिंच को, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया एग्जॉटिक फिंच का, तो ये भी इंशाल्लाह से वीडियो बना के आपको एक दो दिन में दिखाऊंगा, बच्चे ज़रा आ जाएँ सारे, कुछ आ गए कुछ और आ जाएँ, तो वो माशाल्लाह से उनके नीचे लगा के मैंने ये पेयर हमारा फ्री कर लिया। आपको ना अपना माइंड गेम करना होता है बस, पेयर जो है ना आपको कैसे तैयार करने हैं, कैसे जो है ना जगह बनानी है अपने अगले अंडों के लिए। तो जब तक माशाल्लाह से दोबारा से क्लच आएँगे तो मेरे वो वाले पेयर जो है बच्चे वो हम लोग कलोनी के एज में छोड़ चुके होंगे, तो ये माशाल्लाह से इसने अपने भी अंडे निकाल दिए यहाँ पे दो, ठीक है। अभी तकरीबन तीन दिन पहले मैंने ये इसको फ्री किया था और ये माशाल्लाह से अपने अंडे निकाल के बैठी, तो इसको मैं जो है ना उठा लेता हूँ, ज़्यादा रश नहीं करना, इसके अंडे भी उठाने पड़ेंगे मुझे कल माजरत के साथ, वरना ना ये फिर वो जो हमारा गोल्डियन का है ना वो काम ख़राब हो जाता है। तो ये यहाँ पर ले आते हैं और इनको थोड़ा सा, इसमें फर्टाइल है माशाल्लाह से आई कॉमन बेंगलाइज की, इसको कर देता हूँ इस नुक्कर में, और इसके अंडे जो है ना ये अभी और भी अंडे देगी, लेकिन वो मैं ना फिर चेक करता रहूँगा, ये एक साइड पे आ गया जिससे मुझे पता चल जाए किसके अंडे। तो जी अगर ये दोबारा से अंडे देगी ना तो मैं उसको वहाँ से निकाल दूँगा उन अंडों को, ठीक हो गया जी। इसमें थोड़ा सा ना टाइम का डिफरेंस है इस एक अंडे में और इन तीन अंडों में, तो ये माशाल्लाह से फर्टाइल है, देखें सफ़ेदी देखें इसकी, ये इंशाल्लाह इसका अंडा बहुत पहले जो है ना इनका जो है ना बच्चा बहुत पहले निकल आएगा दूसरे वाले अंडे से, लेकिन वो भी इंशाल्लाह से फर्टाइल होगा इंशाल्लाह, जो मैं बड़े अच्छे से केयर कर रहा हूँ अपने बर्ड्स की और खुराक इनकी विटामिन्स वगैरह सब कुछ। ये जब आपको अच्छा ये देखें अभी से आपको पता चल जाएगा ये अनफर्टाइल, ठीक हो गया जी। तो ये अनफर्टाइल है तो इसको मैं कोशिश करिए मैं ना ही लगाऊँ, आज क्यों टाइम जाएगा ना, देखें सर्कल नज़र आ रहा है ना आपको, ये अनफर्टाइल, तो क्या करूँगा मैं यही दो शहजादे उठा के ना उसमें रख देता हूँ। चलो कोई नहीं यार अपने काम ही आएंगे बच्चे निकल आएंगे, तो ठीक हो गया जी। तो ये एक अनफर्टाइल गोल्डियन कह के पहले ही हो गया, पता चल गया मुझे, तो मैंने उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो चलिए जी इसको लेके चलते हैं। अच्छा जी यहाँ पे ये पेड़ है, ये देखें माशाल्लाह अभी भी उसके मुँह में तिनका है जी, नज़र आ रहा है आपको, आप उसने फेंक दिया नीचे, ये देखें ये फेंका, ये उसने उठाया था अभी। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पेयर ने पिछली दफ़ा चार आउल के लगाए थे मैंने, इसके नीचे दो फर्टाइल किए दो ख़राब किए, नहीं कोई नहीं दो भी आ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एक ही दफ़ा आने, मंथ में तीन दफ़ा तो आ रहे हैं माशाल्लाह, तो फिर दो दो करके भी निकालते जाएँ तो अपन कोई इशू नहीं है हमें, ठीक है जी। ये आ गया जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गए जी हमारे कितने, उस दरवाज़ा खुला पड़ा, अच्छा इसकी मटकी बाहर थी, मैं अभी लगाता हूँ इसका मटकी, मटकी वाले भाई ये थी मटकी, अच्छा जी ये 10 नंबर, इसका माजरत कर लेते हैं हम, इसके अंडे मैंने उठा लिए हैं अब, तो माजरत के साथ जी टेंशन ना ले आप, 8-10 दिन रेस्ट करें और उसके बाद आपने अंडे निकाल देने हैं, बड़ी मेहरबानी है आपकी, क्योंकि आपके अंडों की बड़ी ज़रूरत रहती है हमें। ये चला गया जी बंद हो गया, दूसरी मटकी उठा लेते हैं एक दफ़ा, ये यहाँ पे बंद हो गई, कहाँ से ली थी हमने 6 नंबर से, तुम लोगों ने इस दफ़ा 3 अंडे दिए और उसमें से एक अनफर्टाइल दिए, तो शर्म करो इलाज करना पड़ेगा तुम्हारा, ठीक है। चलो कोई इतने दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक हो गया जी ये यहाँ पे बंद,
अच्छा जी, उसके बाद हमारा आखिरी पेयर, और ये अंडे जो है मैं बड़े स्पेशल पेयर का देने वाला हूँ अपने, जो हो गया जी हमारे मेल बच्चों का पेयर जो मैंने आपको बताया था, ये इन्होंने बैठना शुरू कर दिया। ये देखें, एक अंदर बैठा हुआ है एक बाहर है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने सारी स्टिक्स उतार दी थी, ये बैठ नहीं रहा था, मैंने बड़े फिर जुगाड़ किए, ये आप देखें पूरा केज खाली है, और इसके आगे मैंने ये इस तरह से स्टिक लगा दी जैसे सब दोस्त लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर ये जो है ना, इनके पास और चारा ही कोई नहीं था, फिर इन्होंने अंदर जाना शुरू कर दिया। और ये जो मेल है ना, ये वाला, इसे तो मैंने कॉलोनी से पकड़ा था सिर्फ इसलिए कि सब के बच्चों को ऐसे ही दाना खिलाता रहता था, इसे कोई काम नहीं, ये सारे का सारा दाना ना सबको खिलाता था, सबको पालता था, आउल के बच्चों को, बंगलाइज के, गोल्डियन के, वो कॉलोनी के अंदर जितने छोड़ता हूँ ना मैं, तो ये उनको बड़ी फीड करवाता था। तो मैंने फिर इससे कहा कि जी इसे यूटिलाइज करते हैं हम यहाँ पे, चल आ जा भैया, देखा बाहर आया। तो ये देखें, दो अनफर्टाइल अंडों को बेचारा बैठ बैठ के इसने अपना बुरा हाल कर लिया, अब मैं इसको देता हूँ असली काम, ठीक हो गया जी, थक गया हूँ बहुत, गर्मी बहुत है, तो इसको यहाँ पर रख लेते हैं हम, ठीक है। इसके अंडे जो है ना वो अनफर्टाइल है, अनफर्टाइल वाले मैं पहले निकाल लेता हूँ इसके अंदर से ना, निकाल के यहाँ पे रख देता हूँ। ये डमी एग थे जी, और ये ना चार एग थे, इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने दो एग निकाल के बाहर फेंक दिए और दो अंदर रखे, उन पर बैठे रहे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, एक अंडा ये इन्होंने इधर फेंका ये, और एक ये नीचे फेंका था, वो ये खुद ही खा खू गए, ठीक है। मैं सब, मैं इनको एक्सल डालता रहता हूँ, लेकिन वो भी इन्होंने खा लिया। अच्छा जी, अब आ गया माशाल्लाह से जी नंबर वन, नंबर वन हमने देना है इसको 19 के मेल्स को, और ये माशाल्लाह से काफ़ी देर से अंडे आए पड़े हैं, ये जल्दी हैच भी हो जाएंगे। बाहर आ गई शेर, आ गया बाहर। अच्छा जी, ये यहाँ से हम पकड़ते हैं इसको मटकी को, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो ये चार अंडे इसके, और माशाल्लाह से सारे के सारे फर्टाइल हो गए, तकरीबन एक हफ्ते पहले से इन्होंने दे रखे, और अब जाके मैं फोस्टर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, और मैंने अपना मंथली जो है ना वो रखना था जी साहब, कि ये हम सितंबर के जो है ना फोस्टिंग स्टार्ट किया हमने आज, तो ये फर्स्ट क्लच ऑफ सितंबर। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊँगा ना, तो फिर आप लोगों को गाइड करता रहूँगा जी कि ये नेक्स्ट ये कौन से क्लच की वीडियो है और कौन से मंथ का ये क्लच है, फिर उससे ना आप ईजी रहेंगे जी के, तो मैं इसी को कंटिन्यू करूँ जी 3 4 5 6 7 8, तो उससे अच्छा है कि वो सितंबर हम 1 2 3 कर देंगे, और फिर अक्टूबर 1 2 3 इंशाल्लाह से इसी तरह से हम चलेंगे। एक मिनट ये मैं कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये फाइनल लास्ट एग आ गया यहाँ पे, ओए जरा जालिम आ जा, माशाल्लाह से फर्टाइल है, ठीक है जी। इसे कलर देखेंगे ना पता चलेगा आपको, ये देखिए, और ये चार के चार फर्टाइल है। चल भी आराम से, टक्कर नहीं मारनी, टूटना नहीं, हाँ चलें जी, ये आ गए जी चार के चार, ठीक है जी। इसको मैं ले चलता हूँ वहाँ पे, हमारे वहाँ, एक मिनट बच्चों एक मिनट, बस ये तुम्हारा ही काम है, थोड़ी सी और है बस काम। ये जो 23 नंबर है आउल का, ये इसके एग जो है ना वो फोस्टर करने, और वो मैंने करने हैं ज़ेब्रा के नीचे। अच्छा वो देखें, बचा हुआ अंडा जो मैं बता रहा था ना, दो अंडे थे, एक वो एक ये पड़ा, वो चार पूरे हो गए, ठीक है जी, ये लग गया जी। चल भाई, अब बेटा तू बैठेगा ना तो किसी काम के लिए बैठेगा, पहले तो टाइम ही वेस्ट कर रहा था अपना भी और मेरा भी। लॉ अकबर, चलें जी लास्ट, ठीक है जी। हाँ लास्ट, अच्छा मटकी पहले मैं दे दूँ उन्हें वापस, ये मटकी की हैबिट जो है ना वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए इनकी, उनको मटकी नज़र आती रहनी चाहिए। इनको मैंने बॉक्स भी दिया था, लेकिन बॉक्स इन्होंने बिल्कुल नहीं लिया, ठीक है जी, और इन्होंने मुझे बता दिया कि जी हमें बॉक्स नहीं चाहिए, हमें तो मटकी ही चाहिए, उसमें ये गए ही नहीं, एक दिन भी नहीं गए, किधर गया था। अच्छा ये स्क्रू पता नहीं कहाँ से आया यहाँ पे, ये देखें पता नहीं कहाँ से खुला, चलें जहाँ से भी खुला हमें क्या। अच्छा जी, चार और गोल्डियन के हो गए जी, अब फाइनल जो मैंने लगाना है उसको अपनी ज़ेब्रा के नीचे, उसका ये मटकी उसकी पड़ी है, और वो नीचे वाला केज है, ठीक है जी, वो जिसमें आपको मटकी नज़र आ रही है ना, तो ये वाला केज है, यानी कि 23 के बिल्कुल नीचे ही, 24 के 24 में चले जाएंगे, ठीक है जी। पहले 23 से इधर आए, अब 23 से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने अपने चार अंडे निकाले हुए थे जो ज़ेब्रा थी, तो उसने क्या किया जी, और सारे के सारे अनफर्टाइल कर दिए, क्योंकि पहला पहला क्लच था इसमें जो है ना जी, हमारा जो मेल है वो है जो ज़ेब्रा का, वो है अपना
इसका क्या कहते हैं उसको, पेंगुइन का, और फॉन की जो है ना सिंपल में वो फीमेल है, साइज़ अच्छा है माशाल्लाह दोनों का। तो ये देखें, ये तीन अंडे इसने निकाले हैं, और इसने तीन ही निकालने हैं क्योंकि ये तकरीबन पिछले चार दिन से निकले हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, एक मिनट के लिए मैं वीडियो रोकता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये आ गया जी ज़ेब्रा की मटकी में, ये तीन एग इसके मैंने उठा के लगा दिया आउल के, और ये फाइनल हो गया जी। इसको मैं, अच्छा मुझे नीचे जाना है इसमें, हुई हुई घुमाएगा मुझे, नीचे वाले जो केज होते हैं ना इसी तरह से तंग करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा दूँ पहले पेयर कौन सा है। ये देखें, ये बैठा है पेंगुइन का मेल, और उसकी फीमेल दूसरी वाली फॉन की। तो ये इन्होंने अंडे निकाले थे लास्ट टाइम, मैंने इनको कॉलोनी में छोड़ना था लेकिन मैंने नहीं छोड़ा क्योंकि ये अंडे निकाल के बैठी थी। एक मिनट चल, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुश्किल होता है नीचे एग फोस्टर करना। तो ये आउल की आ गई थी इधर, ठीक है जी। तो ये पेड़ खुद ही इंशाल्लाह से अंदर चला जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा जी दोस्तों, दुआ करनी है आपने कि इस क्लच के मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, जितने मुझे लास्ट मंथ में मिले हैं ना बच्चे, वो अल्लाह करे तो इस पूरे इसी क्लच के अंदर ही मुझे मिल जाए, ठीक है जी। तो माशाल्लाह से ये 21 नंबर की फ़ीमेल जा चुकी है अंदर, मेल अकेला, और इसके साथ 25 की भी फीमेल जा चुकी है अंदर, मेल अकेला, ठीक है जी। वो देखें मेल घूम रहा है, फीमेल अंदर है। तो ठीक है दोस्तों, ये वाले जो अंडे हैं इनका भी मैंने जुगाड़ करके रखा है। ये जो मैंने कॉलोनी लगाई थी ज़ेब्रा की, कॉमन ज़ेब्रा की, तो ये मैं बंगलाइज के अंडे जो है ना इनके नीचे लगा दूंगा, ठीक है। इसमें टॉप वाली मटकी, इधर से टॉप वाली मटकियों में अंडे आ चुके हैं, तो जस्ट रिप्लेस करने हैं हमने, या फिर मैं ऐड कर दूंगा क्वांटिटी देके के अंदर कितनी क्वांटिटी है, ठीक है जी। तो दोस्तों इसके साथ ही आज की वीडियो हम करते हैं ख़त्म। ज़्यादा वक्त ले लिया मैंने आपका, लेकिन वीडियो आप कोशिश किया करेंगे पूरी देखा करें, बड़ी मेहनत होती है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।